ऊपर का हो गया ना कॉपी। अभी हाँ सर, कोई आएगा तो एक नहीं सर, थोड़ा सा बस 2 इंच ऊपर 2 इंच नीचे बस सर। मिनट सर, हाँ वही तो, अब तुम थोड़ी देर ठंड रखो, ध्यान से जरा देख लो, क्योंकि बाद में एक्सप्लेनेशन के लिए भी वही 2 मिनट आएगा। देखिए, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म अकर्स ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, ये तो एक बात हो गई, कंडीशन समझ लो, ठीक है। कंडीशन में मैंने क्या लिखा है कटाई नहीं पढ़ के करना है बताओ, जिस टाइप होना, क्या जी? कटाई नहीं करना है जिस टाइप, कैटायनिक एनायनिक लिगेंड का मतलब क्या होता है? मतलब दोनों भी मिक्स होते हैं, मतलब एक कटाई ना कॉम्प्लेक्स रहता है और दूसरा आयन के पार्ट रहते हैं, दोनों भी आपको कॉम्प्लेक्स। मतलब समझ में आ गया इस बात का, कंडीशन कि अगर कैटायनिक एनायनिक है तो ही बनना है, नहीं तो नहीं बनना है, क्लियर है? हाँ सर, अब आगे देखो जरा, अब जो डेफिनेशन में लिखा है उसे थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, जो ट्रिक बता रहे हैं उसको फॉलो करो। पहला, आइसोमर बनाने के लिए आप लिगेंड्स मेटल को इंटरचेंज कर दो तो क्या बन जाएगा, बोलो। CuN34 CuNH3 4 PtCl 4, ठीक, ये पहला बन गया। इसको ये बनने के बाद अब हम इसे स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने का मतलब क्या है, इधर चार, तो एक काम करते हैं, इधर पे 3 अमोनिया 1 Cl, समझ पा रहे हैं, विद प्लेटिनम, और यहाँ सर, पे क्या बच रहा है, एक अमोनिया एक अमोनिया, 3 Cl, समझ आया? हाँ इधर भी स्प्लिट कर दो, कॉपर के साथ 3 अमोनिया 1 Cl और 1 Cl 3 अमोनिया, समझ आ गया? सर, इसके बाद और क्या स्प्लिट कर सकते हो बताओ मुझे, दो अमोनिया दो बिल्कुल भी नहीं दोनों कर में दो सकते, दो, मेरा चांस। कुछ बातें याद रखिए, गलत जरूर होती हैं, कभी हाफ हाफ नहीं हो सकता, दिस इज नॉट अलाउड, क्योंकि अगर आपने हाफ हाफ किया तो नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो जाएगा, कैटायनिक एनायनिक नहीं रहेगा। दूसरा, कुछ भी हो जाए, मैक्स न्यूट्रल लिगेंड जो है वो कैटायनिक में होने चाहिए, ये कंपलसरी, अगर आपने ये भी डिस्टर्ब किया तो नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स डिस्टर्ब हो जाएगा। दोनों बातें मैंने क्या बोली, समझ आई? सेकेंड वाला बताना। मैंने बोला यहाँ पे 4 अमोनिया है ना और 4 Cl, हाँ आप स्प्लिट करके ऐसा ना कर दें यहाँ पे कि 3 Cl और 1 अमोनिया हो जाए, ओके, न्यूट्रल वाला हमेशा ज्यादा होना चाहिए पहले वाले कॉम्प्लेक्स में, वरना नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स चेंज हो जाएगा जो अलाउड नहीं है। तो इस तरीके से टोटल कितने आइसोमर्स बने, तीन, 3 बने ना, आंखें खोल के देखें, इससे पांच, भैया काउंट किया जाएगा ना, ये भी तो कंपाउंड आपने बनाया है, चार, कंपाउंड चार समझा बने। क्या? तो हाँ फिर सर, जो आपने बोला था वो के न्यूट्रल होना चाहिए, वैसा क्या मतलब, नहीं, मतलब वो नहीं समझा, मतलब इसमें कैसे अप्लाई हो रहा है, मतलब कौन से मैं अब कंपाउंड आपकी नहीं बात नहीं लेना समझ पा चाहिए। रहा हूँ कि आप क्या पूछना चाह रहे हो। सर आपने जो लास्ट पॉइंट बोला था ना, वो मतलब कैसे वैलिड नहीं होता, तो क्यों, क्या होता है इसमें आप एक काम करो, एक बार लिखो और उसके बाद चार्जेस फाइंड करो, चार्जेस। ये अगर ये कंपाउंड ऐसा है तो कंपाउंड ओवरऑल कैटायनिक होगा कि एनायनिक होगा, ओके, है? तो फिर कंपाउंड का अच्छा नाम क्या है, कैटायनिक एनायनिक, मतलब पहला वाला हमेशा कैटायन होना चाहिए ना। पहला वाला कटा है। हाँ सर, चलो फटाफट से जरा आगे के जो 2 एग्जाम्पल मैंने लिखे उनके आइसोमर्स काउंट बता दीजिए कि कितने होंगे, मैं आगे लिख रहा हूं, आप उनके काउंट बना करके बताइए।
बताइए कितने कितने बन रहे हैं। प्लेटिनम वाले में कितने बने? दो दो पक्का? तीन चार? गुड। सबसे पहले चार वाले बताएं मुझको, चार वाले बताएं। बस हो गया सर। एक बार थ्री प्लस वन और दूसरे में भी थ्री प्लस वन ना, इसमें पी तो सेम ही है ना। चार वाले मुझे बताएं चार कैसे बन रहा है वो मुझे पहले बताएं। सर एक बार NH3 में तीन अमोनिया और एक ब्रोमीन आएगा और हाँ। फिर और दूसरे में तीन ब्रोमीन एक अमोनिया आएगा। गुड, तो कितने हो गए? दो। और बताओ। और बताओ सर, एक ही हो गया ना? दो होगा ना सर? दो होगा टोटल, दो हो गया टोटल दो। हाँ सर, चार वाले कनेक्टेड हमारे बच्चे कहाँ हैं? ब्लू हाउस के थे सर। हाँ, AIR1 होगा उसमें था। नहीं, वो AIR1 के केस होंगे, वो अलग रहते हैं थोड़ा। जीरो। हाँ सर, एक्सेप्शनल सोच लेते हैं। जीरो। वो ये जो सोचते हैं ना, ये वैसे सोचते हैं कि चुपके से बोल दो कि कोई मेरा नाम भी ना पढ़ पाए, नहीं पब्लिक को पता चल जाएगा AIR1 हमारे बीच बैठा हुआ है। ये बनेगा अब स्प्लिटिंग से, बनेगा 5 प्लस 1 1 प्लस 5, फिर बनेगा 4 प्लस 2 2 प्लस 4। बस इसके बाद अलाउड नहीं। हाँ सर, बस 5 प्लस 1 1 प्लस 5 4 प्लस 2 2 प्लस 4। अभी बहुत सारे होंगे ऐसे जो थोड़ी देर के बाद बोलेंगे सर ये 4 प्लस 2 क्या है, इधर भी 6 है उधर भी 6 है, सम तो सेम ही आ रहा है। होंगे सोच रहे हैं बोले कि ना बोले। सर वो एडवांस सर्वर होते हैं। हमें तो लग रहा IIT गोद ना ले लेकिन। सर फर्स्ट वाले कंपार्टमेंट टोटल 4 है ना? ये देखो तुम्हारी सीट पक्की। हालात को देखते हुए तुम, ये लग रहा है कि IIT को सिर्फ आपको नहीं, आगे की जनरेशन को भी गोद लेना पड़ेगा। IIT इसको पड़ेगा। चलो नेक्स्ट देखो जरा भैया, ये जितने लिखे हैं सब आइसोमर्स हैं, यहाँ टोटल 6 हैं। अब और प्लीज इन नंबर्स को अंदर के साथ रिलेट मत कर देना कहीं पर। चलो कोऑर्डिनेशन पोजीशन देखो, कंपलसरी होता है ब्रिज कॉम्प्लेक्स होना। अगर ब्रिज कॉम्प्लेक्स है तो ब्रिज अनटच रहना चाहिए, साइड के हम लिगेंड्स को चेंज कर सकते हैं। इधर 4 अमोनिया है, इधर 2 अमोनिया 2 Cl है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ 3 अमोनिया 1 Cl और यहाँ पे 3 अमोनिया 1 Cl, बाकी एस सच रहेगा। समझ आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ऐसा करो फटाफट।
देखिए जरा, पॉलीमराइजेशन व्हेन टू कंपाउंड हैव सेम स्टोइकोमेट्रिक कंपोजिशन बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहले तो ये बताइए आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन पे सेट होता है कि नहीं स्टेटमेंट? नहीं होता ना सर, डिफरेंट मॉलिक्यूलर। यस, ये कहीं से भी आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन ही नहीं है कि आप स्टोइकोमेट्रिक कंपोजिशन ही चेंज कर दो, ठीक है? तो ये ट्रू आइसोमर्स नहीं होते हैं, पहली बात। ये सिर्फ पॉलीमर है। मतलब इन तीनों कंपाउंड में क्या रिलेशन है चेक करिए। पहले में प्लेटिनम का नंबर कितना है? वन। अमोनिया का नंबर कितना है? टू। सीएल टू। सेकेंड कंपाउंड में बोलिए तीनों का नंबर। टू फोर फोर टू फोर फोर, मतलब वन टू टू हो जाएगा। रेशियो नहीं पूछा है, रेशियो। आप देख रहे हैं इंटीग्रल मल्टीपल में आ रहा है, इसलिए इसे पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। इनके सब बड़े यूनिक एग्जांपल हैं, एक ही एक एग्जांपल होता है। ऊपर का कॉपी हो गया है? सर एक मिनट। तो आप लोगों को बोलने में कुछ प्रॉब्लम आता है क्या जब पूछते हैं आपसे? तो टेलीपैथी चल रही है, आप मन में सोच रहे हो और मुझे पता चल जाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम से जवाब नहीं दोगे मैं बिल्कुल रुकूंगा नहीं। हो गया है? यस सर।
वो सेकेंड लास्ट एम ए ए होल ट्वाइस है ना, क्या बोल रहे हैं? सेकेंड लास्ट कंपाउंड एम ए ए होल ट्वाइस है ना? हाँ डायग्राम ना बनाए अभी। देखिए जरा मैंने क्या लिखा है, फॉर्म बाय द चेंज इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल एटम। तो भी आइसोमर्स बनेगा, वो लिगेंड्स के पोजीशन चेंज होगी, रिलेटिव चेंज होगी सेंट्रल एटम के। ठीक, सेस और ट्रांस नॉर्मली दो केसेस होते हैं। सेस जब 90 डिग्री पर होंगे दो, और 180 पर होंगे तो उसे हम ट्रांस बोलते हैं। लेफ्ट कॉर्नर पे आप देखिए बाइडेंटेट का क्लासिफिकेशन है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। ठीक, क्या मतलब होता है सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल का? तो जहां पर डोनर एटम सेम है जैसे एथिलीन डाइअमाइन, तो हम उसे ए ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिख रहा है आपको। और अनसिमेट्रिकल जहां पर डोनर एटम डिफरेंट है उसे हम ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? ठीक, अब देखो कैसे करना है इसे अप्लाई। सबसे पहले आएगी तो सबसे पहला काम हमको यही करना है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ठीक, अब जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो या तो sp3 आएगा या dsp2 आएगा। समझ आ रहा है ना?
sp3 नेवर शोज, तो सबसे पहले एलिमिनेट कर दो, शो कौन करेगा? dsp2। अब dsp2 में अगर चारों लिगेंड सेम है तो कोई आइसोमर नहीं बनेगा, सिर्फ एक ही बनेगा, मतलब जो कंपाउंड है वही रहेगा और कोई आइसोमर नहीं बनेगा। समझ में आ रही है बात? इसलिए वन लिखा है, नो आइसोमर्स वन कंपाउंड, इज इट? यस। अगर a3b टाइप का होगा तो भी एक ही कंपाउंड बनेगा, नो आइसोमर्स। लेकिन a2b2 हुआ, a2b2 का मतलब क्या हुआ, मैं आपको लिख के कोई एग्जांपल से बताता हूं इस चीज को। pt NH3 ट्वाइस, ये देखो ये a2b2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ। इसके दो आइसोमर्स होंगे, कैसे? तो यहाँ पे देखो a2b2 का ऊपर मैंने बनाया है, दिख रहा है आपको? हाँ सर। अब पहला वाला कंपाउंड a2b2 में सिस दिख रहा है कि ट्रांस दिख रहा है आपको? सिस। तो समझ में आया दो आइसोमर्स कैसे होंगे? है ना, तो a2b2 के दो आइसोमर्स हो गए। अब a2bc आता है, हम इसी एग्जांपल से उसको भी बना देंगे। हम इस कंपाउंड में थोड़ा सा चेंज करेंगे, NH3 PY और ये Cl2 ही रहा। A2BC बन गया कि नहीं बन गया, देख लो जरा पहले। बन गया। हाँ सर। ठीक है, अब आ जाओ A2BC का सिस ट्रांस, दिखा आपको? हाँ सर। क्लियर है? हाँ हाँ सर। अब आते हैं ABCD पर, ये है JEE का एडवांस का क्वेश्चन। उन्होंने इस कंपाउंड को इतना बड़ा दिखा दिया था कि आप देख करके लगेगा कि पता नहीं कितने आइसोमर्स बनाने पड़ेंगे। मेरा कहना है जब कभी भी क्वेश्चन इस तरीके का दिखाई दे कि बहुत सारे लिगेंड्स हैं, आप बिल्कुल मत लिगेंड्स के बारे में सोचो। ऑर्गेनिक में कैसा होता था, कार्बन की जगह सल्फर आ जाए तो प्रॉपर्टी चेंज, आइसोमर चेंज, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रहा है? यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, Cl की जगह Br आ जाए, Br की जगह वाटर आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें तो उसकी फैमिली चेक करनी है, ABCD है कि नहीं। देखो तो बस ABCD ये रहा। ये कंपाउंड दूसरा कैसे बनेगा? बाय द इंटरचेंज ऑफ दिस, फिर इंटरचेंज ऑफ दिस, इसके बाद फर्दर इंटरचेंज करोगे तो रिपीट हो जाएगा। समझ में आया? टोटल कितने बन रहे हैं? तीन। तो इसके तीन ये एडवांस का क्वेश्चन है और आपको मिल जाएगा कहीं पे, बहुत बड़े बड़े लिगेंड्स लिखे थे उसमें, मैं तो छोटे छोटे लिख रहा हूँ, Cl Br, उन्होंने काफी बड़े बड़े लिखे, बट कोई फर्क नहीं पड़ता ABCD है कि नहीं। ठीक है? यस सर। हाँ सर। उसमें एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था? शाबाश बेटा, बस लिगेंड्स बदल दिए होंगे और क्या। चलिए, AA ट्वाइस टाइप का है, AA मैंने बोला सिमेट्रिकल है, तो मतलब बाइडेंटेड सिमेट्रिकल है, एक ही आइसोमर। अब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, आप जरा देखो, सिमेट्रिकल मतलब डोनर एटम सेम है। हाँ। ये अब आप इन्हें स्विच भी करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, सेम ही रहेगा। सेम ही रहेगा, इसलिए हमने वहां पे लिखा है कि एक ही आइसोमर होगा या एक ही कंपाउंड होगा। लेकिन अगर बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट में अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल GLY है, अब ये केस है, तो यहाँ पर A और यहाँ पर B, तो ये सिस है कि ट्रांस है? ये तो सिस। अब अगर हम इसे स्विच करेंगे तो क्या बन जाएगा? समझ में आया? ये एलिजिबल है और ये एलिजिबल नहीं। क्लियर हुआ? हाँ। बना लो फटाफट से फोटो के साथ।
हो गया कॉपी बी टू बचा सर वो एम ए बी सी डी वाले और एक बार बता सकते हो
देखिए जरा, जैसे फोर में हमने किया था दो में sp3 और dsp2 में, देखा आपने सिक्स में दो क्लासिफिकेशन है sp3d2 और d2sp3, इज इट? यस। अब देखो MA6 जो है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला केस ये नहीं शो करेगा, MA5 भी नहीं शो करेगा, A4 B2 दो शो करेंगे। जहां जहां दो आ रहे हैं ना वो सारे कैसे हैं? सिस ट्रांस। A3 B3 में सिस ट्रांस की जगह फेशियल मेरिडोनियल बोलते हैं, मैं दिखाऊंगा अभी। A3 B2 C में 3, A3 BCD में 4, A2 B2 मैं आपको इसकी एक टेबल शेयर करूंगा। मैं बिल्कुल आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप स्ट्रक्चर्स बना बना के देखो पांच बन रहे हैं कि सात बन रहे हैं, चार पांच रहेंगे आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, समझ रहे हैं? मैं फेशियल मेरिडोनियल बना के आपको दिखा दे रहा हूं। स्ट्रक्चर प्रॉपर बनाइएगा। देखिए जरा स्ट्रक्चर बनाया है फेशियल मेरिडोनियल में, दो प्लेन पर और एक परपेंडिकुलर, तो उसे फेशियल बोलते हैं, शॉर्ट में फेस लिखते हैं, ठीक है। दूसरे वाला जहां पे तीन आइडेंटिकल प्लेन पर है उसे मेरिडोनियल बोलते हैं, शॉर्ट में मर लिखते हैं, समझ जा रहा है? करिए कॉपी इसको फटाफट से। सर वो जो अपने दूसरे वाले में वो कलर क्या, मतलब वो बॉक्स के अंदर ही है ना, मतलब वो प्लेन में, बॉक्स के बोला ना तीन आइडेंटिकल प्लेन पर है। ओके, तीन आइडेंटिकल, ये देखो ए ए और ए, इसमें एक परपेंडिकुलर जा रहा है आपका और दो प्लेन पर आ रहे हैं,
ऊपर का कॉपी हो गया है? हाँ सर। हाँ सर। देखिए जरा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म द कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, उसे हम ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। डेक्स्ट्रो लीवो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये सारे टर्म्स आपने पहले भी पढ़े हैं ऑर्गेनिक में भी। पे थोड़ा काम आसान हो जाएगा। फॉर्मेशन नंबर 4 का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, अगर DSP2 है तो नेवर शोज, बाकी सारे शो करेंगे। ट्रांस MA6 MA5B MA4B2 MA4BC MA3B3 नेवर शोज, बहुत इजीली आप एलिमिनेट कर सर निकाल लोगे। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट ऑलवेज शोज, और MACDEF ये अकेला एक कंपाउंड है, ठीक है, जिसके 15 ज्योमेट्रिकल और 30 ऑप्टिकल होते हैं, एक ही कंपाउंड एग्जिस्ट है ऐसा। कॉपी हो जाए तो हो गया नहीं सर?
समझ लीजिए फिर लिखिए। आपको इस तरीके के कंपाउंड दिए, देखिए कब कौन सा फैक्टर लगता है ये आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। आपके पास मेटल सेम, लिगेंड सेम, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम। ऐसे केस में स्टेबिलिटी देखने के लिए आपको चार्ज डेंसिटी देखनी होगी सेंट्रल एटम की। ऑब्वियसली बात है, आप चार्ज डेंसिटी कैसे देख पाओगे? तो ये ट्रिक है, बहुत आसानी से आप ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम देख लीजिए और उससे आपको आंसर मिल जाएगा। कौन सा ज्यादा स्टेबल है बताइए, समझा कि नहीं? दूसरे क्वेश्चन में स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लुईस बेसिक नेचर ऑफ लिगेंड। ये कब लगेगा? जब केवल लिगेंड वैरी कर रहा हो, बाकी सब चीजें सेम है। ये तो बहुत इजी है, लुईस बेसिक नेचर समझना यहाँ आसान है, लेकिन मेरा कहना है कि अगर कुछ और भी लिगेंड्स हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये ट्रिक अपनाइए। SFL जिसे हमने बोला है वो इसीलिए SFL बोला है क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल बनाता है, तो वाटर के कंपैरिजन में अमोनिया स्ट्रॉन्ग है। तीसरा,
स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेलेटिंग लिगेंड्स. चेलेटिंग अगर आपको याद आ रहा हो तो रिंग वाले लिगेंड्स बोले थे, रिंग फॉर्मिंग टेंडेंसी जिनकी होती है. तो आपके पास दो हैं यहाँ पर, ये वाटर है और ये ईएन है. मेरा कहना है कि आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि मोनो से ज्यादा हमेशा बाई, बाई से ज्यादा हमेशा ट्राई, ट्राई से ज्यादा टेट्रा, ऑनवर्ड्स ऑनवर्ड्स ऑनवर्ड्स. ईएन बाई है, वाटर मोनो है. फिर स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीएफएसई, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजिंग एनर्जी. कैलकुलेशन करना पड़ता है, फॉर्मूला आपको लिखाया था. आप बिल्कुल कैलकुलेट ना करें, सीधा ट्रिक अप्लाई करें. 3D से ज्यादा 4D, 4D से ज्यादा 5D, जो नीचे होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा. आप पीरियोडिक टेबल में देख लीजिए, पैलेडियम और प्लेटिनम, प्लेटिनम नीचे पैलेडियम ऊपर है. फिर ई वाला फैक्टर है, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट. आपको केसी की वैल्यू दी जाएगी, जिसकी केसी ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी कम होगा. लॉजिकल है ना, डिसोसिएशन ज्यादा स्टेबिलिटी कम. फिर लास्ट है इरविंग विलियम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. अंकल ने बोला अगर मेटल चेंज हो रहा है और मेटल का अगर साइज डिक्रीज हुआ, लाइन थोड़ा सीधा बना लीजिएगा, तो स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा. दैट्स इट, फटाफट से कॉपी करिए. सर वो विलियम के पहले क्या लिखा सर, वो स्टेबिलिटी IRWING, इरविंग सर. बोलिए सर, वो जो स्टेबिलिटी ऑफ चिलेटिंग रिंग वाला, चिलेटिंग लेग वाला था, उसमें आपने मोनो लेस ग्रेटर देन बाई ग्रेटर देन ट्रा ग्रेटर देन टेट्रा लिखा है सर. ये लिगेंड्स के टाइप थे, मोनोडेंटेड, बाईडेंटेड, ट्राईडेंटेड. अच्छा, बाईडेंटेड, ट्राईडेंटेड. सर आपने डी में क्या कैलकुलेट नहीं करना है बोला, सीएफएसई? ठीक है सर, ये तो पता ही नहीं हुआ कि सीएफएसई क्या होता है. पता है, बोलो. रुको सर, नहीं पता. शाबाश. क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग
हो गया कॉपी हो गया यस सर देखिए जरा यूजेस बायोलॉजिकल यूजेस में क्लोरोफिल आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसका सेंटर का मैग्नीशियम है हेमोग्लोबिन Fe प्लस टू होता है विटामिन B12 में कोबाल्ट प्लस टू होता है ये बायोलॉजिकल में है मेडिसिन में एंटी कैंसर मेडिसिन है सिसप्लैटिन रिसेंटली मैच का क्वेश्चन था एडवांस का मेडिसिन लिखी थी और यूज लिखा था उसका EDTA ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग एंटी कोगुलेंट और वाटर सॉफ्टनर ये तीन यूजेस हैं इसके मेटलर्जिकल में सिल्वर और गोल्ड के एक्सट्रैक्शन में यूज होता है ये निकल आयन की रिफाइनिंग में यूज होता है करिए कॉपी फटाफट से सबका हो गया अभी भी बाकी है किसी का
एक सेकंड ना, तुम सेकंड अपना पूरा करते रहो आराम से। चैप्टर हमारा 90% हो गया है। नेक्स्ट पे हमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड स्टार्ट करना है, ठीक है। बहुत छोटा सा पार्ट है, आप चाहें तो आपका मॉड्यूल आप सॉल्व कर लें, मैं नेक्स्ट पे मॉड्यूल डिस्कशन भी कर पाऊंगा। नहीं करेंगे आप तो फिर आपकी मर्जी है, ठीक है, क्योंकि मेरी तरफ से तो सिलेबस खत्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर पे। सर दो लेक्चर है आपके सर, और दो भाई लेक्चर दो होने का मतलब थोड़ी ना है कि हम पढ़ाते रहे जबरदस्ती, सिलेबस खत्म हो गया ये कह रहे हैं, आपकी मर्जी, आप दो साल और पढ़ो, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। हाँ ये भी कर सकते हैं नेक्स्ट पे, लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेशन करेंगे तो उसका डिस्कशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि बहुत सारी नई चीजें क्वेश्चंस पर आपको मिलेंगी। हाँ सर, कोऑर्डिनेशन के बाद है ना, तो नेक्स्ट पे ये खत्म हो जाएगा, आप कोऑर्डिनेशन करके रखोगे तो डिस्कस हो जाएगा। यस सर, ठीक है। सर एक क्वेश्चन सर, डीएनएफ दो, डीएनएफ हम लोग नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं क्या? हाँ सर, हाँ सर देखो, हाँ सर जनवरी में गुड सब हो जाएगा, पहले ये जो हो रहा है उसको हो जाने दो। सर आपने बोला था कि आप हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक शॉर्टकट दोगे, वो कब दोगे? हमने अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया है सर, ऐसा मत करो, बता दो ना अभी मुझे मुझे ब्रांच पहुंचना है, मेरा ब्रांच पे लेक्चर है, ठीक है, टाइम पास मत करो, चलो गुड बाय बाय सर। आप पॉलिटिशियन स्टेटमेंट का